अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं निविश और आप देख रहे हैं इंस्टा स्टाइल, दी पर्सनल स्टाइल चैनल, पाकिस्तान्स फर्स्ट पर्सनल स्टाइलिंग चैनल। तो बस आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे हाउ टू स्टाइल ईस्टर्न आउटफिट ट्रेंड्स एंड स्टाइलिंग, कि ईस्टर्न आउटफिट जो है उसमें क्या ट्रेंड्स चले हुए हैं, क्या स्टाइलिंग आप कर सकते हैं और ख़ुद को जो है वो आप खूबसूरत बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, ईस्टर्न लुक की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हमने बात की कि हम आज आपके साथ शेयर करेंगे ईस्टर्न आउटफिट लुक्स के बारे में, हम बात करेंगे कि ईस्टर्न आउटफिट जो है वो आप किस तरह से वेयर कर सकते हैं जो आपके पर्सनालिटी के भी अकॉर्डिंग हो, आपके अंडरटोन के अकॉर्डिंग हो और वो बहुत खूबसूरत मालूम हो और इन ट्रेंड भी हो और वो बहुत प्यारे मालूम हो। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न लुक से जो मुराद है, वेस्टर्न में तो बहुत सारी आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी इस तरह की और वेस्टर्न के बारे में काफ़ी बात की जाती है, तो हम बात करेंगे ईस्टर्न लुक की, क्योंकि हम जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, एशिया में। हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सकाफत है और जिस तरह के ईस्टर्न लुक हम वेयर कर सकते हैं, लाइक इसमें कमीज शलवार हो गया, अब उसमें सब आ जाते हैं, उसमें ए लाइन भी आ गई, उसमें फ्रॉक स्टाइल भी आ गए, उसमें जो है वो डिफरेंट काइंड्स के स्टाइल जो है वो आ जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ईस्टर्न लुक है ये किस तरह से आप जो है वेयर कर सकते हैं, किस तरह खुद को ट्रेंडी और क्लासी शो करवा सकते हैं। कुछ लुक्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो नाउ डेज इन ट्रेंड है। आप अपनी एज, अपनी पर्सनैलिटी, अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग जो है वो आप इनको चूज कर सकते हैं और वो आउटफिट है आपको अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम बात ये करते हैं कि अगर आप प्लस साइज वुमेन हैं, अगर आप की एज 30 या 30 प्लस है या आप 25 प्लस भी हैं, तो आप जो है अगर बल्कि हैं तो आप इस तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं। ए लाइन आपको सूट कर सकती है, आप ए लाइन में जा सकते हैं और ये एक ऐसा ट्रेंड है, ऐसा फैशन है जो पुराना नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें बाज़ोकात ए लाइन में कलियां ऐड हो जाती हैं, उसमें कुछ डिज़ाइंस ऐड हो जाते हैं, बाज़ोकात उसमें लेसेस वगैरह लगा के उसको जो है वो खूबसूरत बना दिया जाता है। इसके अलावा जो है उसमें एम्ब्रॉयडरी लेसेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपने ड्रेस को, अपने आउटफिट को खूबसूरत बनाने के लिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपका सिंपल आउटफिट है और आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि नेट का आउटफिट होता है, इस पर हमने जो हमने वेयर किया हुआ नेट आउटफिट है, इसके ऊपर हमने जो है एक लेस लगाई हुई और लेस लगाने से जो है वो ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मालूम होने लगा। तो इस तरह की लेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लस साइज वुमेन है, आप ए लाइन में जा सकती हैं, आप लॉन्ग फ्रॉक में जा सकती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी जो है बॉडी वो प्रोपोर्शनेट हो जाती है और आप स्लिमिंग इफेक्ट आता है और आप स्लिम मालूम होते हैं। इसके अलावा जो है आप जा सकते हैं, अगर आप यंग गर्ल हैं तो आप शॉर्ट फ्रॉक में भी जा सकती हैं और आप इस तरह की डिज़ाइन कैरी कर सकते हैं। और आजकल तो है बहुत ही खूबसूरत जो है ब्रांड्स के जो डिज़ाइन आ गए हैं। इसके अलावा अनब्रांडेड में जो है वो कॉपीज में भी रिप्लिका जो आ रहे होते हैं ड्रेसेस, उसमें भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग होती है। बस उसमें क्या होता है कि वो मैच नहीं कर रहे होते बाज़ोकात, मोस्टली बल्कि मैच नहीं कर रहे होते अपने प्रिंट्स के साथ जो है वो जो पिक्चर लगाई हुई होती है, उस ब्रांड्स की ड्रेसेस नहीं वेयर कर सकते, नहीं पहनना चाहते, या आप उनको भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाज़ोकात उसमें बहुत अच्छे ड्रेसेस आपको मिल जाते हैं और आप जो है अपनी पर्सनालिटी को एक अच्छा शो कर सकते हैं। कुछ ड्रेस डिज़ाइन हम साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आपको मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं ये डिज़ाइंस और आपको इजीली जो है वो मिल भी जाते हैं और आप अपनी पर्सनालिटी को जो है वो क्लासी और खूबसूरत शो करवा सकती हैं विदाउट एनी ब्रांड। अगर आप किसी ब्रांड में जाना नहीं चाहती तो भी आप जो है वो नॉन ब्रांडेड ड्रेसेस में भी अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो खूबसूरत शो करवा सकती हैं। तो ये कुछ ईस्टर्न लुक्स हम सब शेयर कर रहे हैं, तो इनमें भी आप जा सकते हैं और इन ट्रेंड है। और ये जो कुछ ट्रेंड है, ए लाइन फ्रॉक का ट्रेंड जैसे कि बताया है वो पुराना नहीं होता, लॉन्ग फ्रॉक का जो है वो ट्रेंड पुराना नहीं होता, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइलिंग को करके उसको जो है वो चलाया जाता है और वो खूबसूरत भी मालूम होते हैं। अगर जो चीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग है तो वो डेफिनेटली आपको सूट करेगी। ट्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते, बाज़ोकात ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो है वो चल रही है इस वक्त, कोई वायरल चीज़ जो है वो चल रही है और आप उस ट्रेंड को फॉलो करने लगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन ट्रेंड्स को, इन वायरल थिंग्स को भी आप जो है फॉलो करने के लिए ज़रा अपना माइंड सेट क्लियर रखा करें। आप सोचा करें कि ये जो ट्रेंड है ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा या नहीं करेगा, इस ट्रेंड की जो वो एज क्या है, उसकी बॉडी टाइप क्या है या उसका कलर स्कीम क्या है, वो आपके अंडरटोन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और वैसे जो डिज़ाइन है आपके साथ शेयर किया, आप इन डिज़ाइन में जा सकते हैं, ईस्टर्न लुक को जो है अपने ईस्टर्न आउटफिट रेडी करवा सकते हैं और अपने लुक को जो है बहुत क्लासी और खूबसूरत शो करवा सकते हैं। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चाहे तो अपनी फ्रेंड्स साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।